फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन पास्ता की रेसिपी। और ये पास्ता ना बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा बनकर के तैयार होगा, और इसे एक बार बनाने के बाद बार बार आप ट्राई करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी से कम टाइम में बनकर के तैयार हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो चिकन पास्ता बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है 200 ग्राम बोनलेस चिकन। इसे हमें मैरिनेट करना है कम से कम आधा घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम टाइम के लिए भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 टेबल स्पून यहाँ पर दही ऐड करेंगे। उसके बाद 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1.5 टीस्पून विनेगर, 3/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो फिर स्किप करें। मिक्स कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे रख देते हैं मैरिनेशन के लिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने लिया है 3 कप पास्ता, तो इसे हमें जो है ना बॉयल कर लेना है पहले। तो चलिए पहले इसे हम बॉयल कर लेते हैं। इसको बॉयल करने के लिए हमें लेना है पानी। तो यहाँ पे हमने पानी लिया है एक कढ़ाई में, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक तकरीबन 3/4 टीस्पून, और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें बॉयल आने का हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम पास्ता ऐड करेंगे और फ़ौरन से हमें इसे चला लेना है, क्योंकि पास्ता नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। इस तरीके से अगर आप फ़ौरन चला लेंगे तो पास्ता चिपकेगा नहीं आपस में। तो अब हम यहाँ पे इसे बॉयल होने देते हैं कम से कम 6 से 7 मिनट, और वेट करते हैं इसके बॉयल होने का। तो देखिए पास्ता यहाँ पे अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है, तो अब हमें यहाँ पे इसके सारे पानी को गिरा लेना है और जो है इसको ठंडे पानी से फिर धुल लेना है। तो यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। हमने यहाँ पे एक पैन में ऑयल ले लिया है, अब हमें चिकन को ना कुक करना है। तो यहाँ पे हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड किया है, और इसे हम 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर जो है मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो है मसाला जो है अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स हो जाए। तो 1 से 2 मिनट बस इसे हाई फ्लेम पर हमें मिक्स करना है, जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे गलने के लिए। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए हमें गलने के लिए। तो यहाँ पे जो है चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है, तो यहाँ पे बहुत ज़रा सा वाटर है इसमें, तो हमें उसे बहुत ड्राई नहीं कर लेना है, बस इसी तरीके से हमें रहने देना है। तो यहाँ पे चिकन बन करके रेडी है, अब हम इसे दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। हमने ऐड किया है 3 मीडियम साइज़ टमाटर की प्यूरी, और इसे 3 से 4 मिनट मिक्स कर लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन जो है ख़त्म नहीं हो जाता टमाटर का। और यहाँ पे 3 जो है हरी मिर्च हमने स्लिट करके डाल दिया है, अब हम इसे भून लेते हैं जब तक कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटर को हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैजिक मसाला जो आता है, उसे हमने एक सैशेट लिया है, उसे ऐड कर लिया है। इससे जो है फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है पास्ते का, तो इसे आप लोग ज़रूर से डालिएगा, मसाला मैजिक जो आता है सैशेट। और इसे मिक्स कर लेते हैं 1 से 2 मिनट। तो यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट इसे जो है मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ पास्ता, और सारे मसाले को और चिकन को पास्ते में हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर मिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टी स्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं तो। 2 टीस्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे, मिक्स भी साथ में इसे हम करते जाएंगे। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, मिक्स कर लेते हैं इसे। और यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे, नमक और मिर्च अगर कम है तो और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें ना इसे रख देना है कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए बस, ताकि थोड़ा सा पास्ता जो है टेंडर हो जाए। तो इसे हम लो फ्लेम पर रख देते हैं 3 से 4 मिनट कवर करके। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 4 मिनट बाद इसे खोल करके चेक कर लिया है, पास्ता भी गल गया है। तो यहाँ पे चिकन पास्ता जो है ना बन करके रेडी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
तो बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा और स्पाइसी जो है चिकन पास्ता बनकर के तैयार है, और इसे हमने बहुत ही जल्दी कम टाइम में आसान रेसिपी के साथ तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना यम्मी ये लग रहा है देखने में ही, और टेस्ट में भी ये उतना ही अच्छा बनकर के तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।